और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बताते हैं कि गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुई हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार करके 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। हिंसा के 2 हफ्तों के बाद दीप सिद्धू को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था। आपको ये भी बताते चलें कि गणतंत्र दिवस वाले दिन हुई हिंसा और तोड़फोड़ के बाद दीप सिद्धू सिंघू बॉर्डर के नज़दीक अपने होटल में चला गया था, जिसके बाद उसने अपना फोन बंद कर दिया और छिपने के लिए पंजाब की एक जानी मानी एक्ट्रेस समेत कई लोगों के फोन का इस्तेमाल किया। तो दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया और उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन लाल किला पर जो हिंसा हुई थी उसका मुख्य आरोपी है दीप सिद्धू। और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी आलोक, इस पूरे मामले में और क्या जानकारी वो दर्शकों को बताइए। जी आलोक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि दीप सिद्धू को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, और क्या कुछ जानकारी है? जी श्वेता, देखिए दीप सिद्धू जो कि मुख्य अभियुक्त बताए जाते हैं एक जो लाल किले पे दंगा हुआ था उसके बारे में, दीप सिद्धू फिल्म एक्टर हैं, पंजाबी फिल्म एक्टर हैं। इनको कल गिरफ्तार किया है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की टीम ने उनको अरेस्ट किया और फिर उसको क्राइम ब्रांच को दे दिया। क्राइम ब्रांच का ऐसा कहना था जो कोर्ट में जब उनको पेश किया गया और कोर्ट को क्राइम ब्रांच की टीम ने यह बताया कि उनको बहुत सारे एविडेंसेज हैं, खासतौर पर उनके मोबाइल के लोकेशन कहाँ कहाँ थे, बेसिकली वो कहाँ कहाँ जाके छुपे, कौन कौन लोग थे जिन्होंने इनकी मदद की छुपने में, वो सब। और जो बाकी इनके 3 एसोसिएट्स हैं जिनके खिलाफ 1-1 लाख रुपए के इनाम और हैं, जिसमें युवराज सिंह और बाकी 2 लोग हैं, उनको भी गिरफ्तार करना है। उनके हाइड आउट कहाँ हो सकते हैं, इन पर सारी चीजों से पूछताछ के लिए इनकी 10 दिन की रिमांड चाहिए, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दे दी है। अब फिलहाल पुलिस इनको कई जगह हो सकता है आज लेके भी जाए और इनसे बाकी की पूछताछ करे। तो एक बड़ी कामयाबी थी दिल्ली पुलिस के पास को मिली है और अभी फिलहाल दीप सिद्धू से इंटरोगेशन जारी है। शुक्रिया आलोक। और 26 जनवरी को दिल्ली के मुकरबा चौक पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां दिल्ली के बुराड़ी इलाके में दर्ज FIR को लेकर हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू समेत 130 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के मामले में कुल 44 मामले दर्ज किए गए हैं।